जैसे तेल, आटा और खजूरें, सब कुछ जो रमज़ान में हम इस्तेमाल की चीज़ें होती है सारी चीज़ें मिल रही है। एक बैग में तकरीबन 2 तेल की तेलियाँ होती है, आटा होता है 10 किलो आटा, खजूरें होती हैं, 2 सूट होते हैं, बच्चों के सूट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा रहता है टाउन का, और क्यों नहीं मिलता, मिल जाता है, जो मुस्तहिक है उनको भी मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो ये ट्रस्ट है ना इनके लिए, तो इसलिए यहाँ है। यहाँ पे फ्री राशन का अमल जारी है, यहाँ पे फ्री राशन तकसीम किया जा रहा है। एक बैग में तकरीबन 7,000 मालियत का यहाँ पे राशन तकसीम हो रहा है। कैसे तकसीम किया जाएगा और आप लोग भी यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, आप लोगों को भी ये राशन कैसे मिलेगा? सर हम आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 90 राशन तकसीम करेंगे। ये हमारी आप पीछे मेरे देख सकते हैं लेडीज की एक प्रॉपर लाइन लगी हुई है, फिर उसके बाद हमारे इंक्वायरी अफसर बैठे हुए हैं, वो इसको वेरिफिकेशन करके और इसका जो है ना हम टोकन वगैरह लेके हम इसको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राशन सर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 16 शवान से स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह 15 रमजान तक हमारा राशन चलता रहेगा, तकरीबन 1 महीने तक चलेगा। कहाँ से आए आप? हम सर दाऊदचाली से आए हैं, दाऊदचाली से। और लोग कहते हैं कि यहाँ पे राशन नहीं दिया जाता है, क्या मैसेज देंगे लोग? नहीं नहीं, लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, हमें तो सब कुछ मिलता है माशाल्लाह, देखो अल्लाह इनको बहुत दे। अच्छा क्या क्या मिला है ये देखे सर? घी मिला है, कपड़े मिले हैं, और ये शरबत का सामान भी है, आटा है, और बहुत कुछ सामान है। तो काफी हो जाएगा रमजान में इंशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे, अल्लाह इनको बहुत दे, अल्लाह पाक औरों को भी मिलेगा इनसे इंशाल्लाह। अच्छा जहेज पैकेज के हवाले से हम बता रहे थे और अपना तारुफ भी करवाते हैं। आपने सवाल किया कि जहेज पैकेज में क्या क्या दे रहे हैं? जहेज पैकेज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कैश की सूरत में भी जहेज में मदद करते हैं। सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, पंखा, इस्त्री, जूसर मशीन, इसके अलावा स्टील के बर्तन, इसके अलावा पतीला सेट, डिनर सेट, इसके अलावा कूलर सेट, बाल्टी सेट, प्लस राशन, उसके अलावा हाथ में कुछ अमाउंट भी दिया जाता है। वहाँ पर जो है जो बेरोजगार अफराद होते हैं उनको रोजगार मिलता है और वो अपने NIC लेके जाते हैं, फॉर्म वगैरह का प्रोसेस होता है, वो फॉर्म वगैरह फिल करके उनको आसान रोजगार मिल जाता है। सर हमारे जो ना तकरीबन 63 से ज्यादा शोबा जाते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास खुराक है, साफ पानी पिलाना है, इसके अलावा हमारा स्वीट होम भी है जिसमें यतीम बच्चों को वहाँ पर रहेंगे, इसके अलावा हम लोग जो ना SMIT भी है हमारा, और बेवा औरतों को हम लोग राशन भी देते हैं, किफालत भी होती है, बहुत से हमारे काम है। बच्चों और मोटरसाइकिल के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे देते हैं, क्या तरीकेकार है? सर इसका ये प्रोसेस होता है कि एक हमारा इदारे की तरफ से फॉर्म होता है, तो जिसको भी चाहिए होता है वो फॉर्म फिलअप करता है, आसान इकसात होती है, मतलब कि वो कितने इकसात पर दे सकता है पूरी उसके किस्से करके, फिर वो हर मंथली जो है ना फिर पे करता रहता है अपने। ऐसे तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो हमारी चमड़ा चोरंगी ब्रांच है, यहाँ पर तो जो ना अभी हमारे पास तकरीबन कोरंगी, लांडी, इसके अलावा कयूमाबाद है, गुलशन हदीद है, मलीर है, जिसमें ये वाले लोग आते हैं। सर इसके लिए हमारा एक वेलफेयर डिपार्टमेंट बना हुआ है, जिसको भी राशन चाहिए साहिलीन को, वो वहाँ पर जाकर अपनी दरख्वास्त जमा करा दें, ओरिजिनल NIC ले जाएँ, कॉपी ले जाएँ, उसका फॉर्म प्रोसेस होता है, फॉर्म प्रोसेस कर फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद उसकी छोटी सी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद उनको एक टोकन दिया जाता है, टोकन देने के बाद वो यहाँ से राशन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा राशन का टोकन है, इसकी इंक्वायरी हो रही है, पूरी इंक्वायरी का वेरिफिकेशन करने के बाद फिर इनको ऐसे वहाँ से जो है राशन का बैग दिया जा रहा है। देखें इलाके इलाके में हमारे बंदे जा रहे हैं और वहाँ जाके अपना कार्ड इशू कर रहे हैं, वहाँ पे इनकी इंक्वायरी करते हैं, जो मुस्तहिक होते हैं उनको जाके हम कार्ड दे देते हैं, वो आके राशन ले लेते हैं। सर इसमें जो है ना हमारे पास आप जैसे कि देख सकते हैं 10 किलो आटा होता है हमारे पास, 5 किलो चावल होते हैं, चाय की पत्ती होती है, चीनी होती है, चने की दाल है, सूखा दूध है, बेसन का आटा है, नमक है हमारे पास, मूंग की दाल है, शरबत की बोतल है, 3 लीटर ऑयल है, ईद पैकेज रमजान ईद के लिए जो कपड़े हम वो भी देते हैं। इसके अंदर हमारे पास मर्दाना सूट है, लेडीज सूट है और बेबी बाबा का एक एक सूट होता है।